अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कुनाफे, जो एक अरबी मीठा है जिसके लिए सेवियाँ लगते हैं। ये हमने ऑरेंज कलर के सेवियाँ लिए हैं। आप चाहे तो ये ज़्यादातर वाइट सेवियों से भी बनता है, तो हमारे पास इस तरह के ऑरेंज सेवियाँ हैं, तो हम इस तरह के ये ऑरेंज सेवियों से बना रहे हैं हम। आप चाहे तो वाइट सेवियों से भी बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे वाइट सेवियाँ किस तरह के होते हैं। ये वाइट सेवियाँ इस तरह के मार्केट में मिल जाते हैं, तो ये इस तरह के सेवियों से बनता है। हमारे पास ऑरेंज सेवियाँ थे तो हम उससे बना रहे हैं। तो इस तरह के हमने इस साइज़ के 4 लिए हमने ऑरेंज, तो टोटल हमने 130 ग्राम सेवियाँ लिया है। आप आपके बेकिंग ट्रे के हिसाब से जितने भी लगे आपको कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी हमने 150 ग्राम लिया है, हमें जितने लगेंगे हम उतने ही लेंगे। अगर हमें लगेगा और लगेंगे तो हम और लेंगे, लेकिन अभी हमने 150 ग्राम लिया है। तो देखिए बहनों, अगर आपके पास अगर इस टाइप के सेवियाँ मार्केट में हैं तो आप इस तरह के भी मंगा सकते हैं, और अगर ऑरेंज मिलते हैं तो ऑरेंज भी मंगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के ही मिलते हैं वाइट वाले। ये बारीक होती हैं सेवी, तो आप ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने इस कप के हिसाब से हमने 250 ग्राम शक्कर लिया है, और हम यही कप के हिसाब से 2 कप पानी लेंगे, और हमें बाद में चीरा बनाए बाद चाशनी बनाए बाद रोज़ वाटर लगेगा। और हम एक स्लाइस नींबू की डाल रहे हैं इसमें पानी में, चाशनी में शक्कर के। और फिर रबड़ी के लिए हमें इसके अंदर जो हम डालने वाले हैं, तो उसमें हम 2 टेबलस्पून खवा डाल रहे हैं हम, और 2 टेबलस्पून शक्कर लगेगी। शक्कर हम कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उस पर बाद में बेक हुए बाद उसे उस पर चाशनी डालने वाले। और 2.5 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो बहनों याद रखें, हम अभी ज़्यादा 2.5 टेबलस्पून लिया हमने, हम इसमें जितना हमें लगेगा उतना ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, और ये 3 चीज़ स्लाइस लिए हमने। अगर ये आपके पास ये ना भी हो तो आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। ये इस तरह का हमने लिक्विड वाला चीज़ लिया है, चीज़ क्रीम लिया है हमने, तो ये हम 1 से 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। और दूध हमने 1 कप लिया है, 1 से 1/2 कप, टोटल हमने 300 ग्राम दूध लिया है। तो हमें अगर लगा ज़्यादा लगेगा तो हम और लेंगे। तो अभी हमने 1.5 कप लिया है दूध, तो उसके हिसाब से हम रबड़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा डालेंगे। और घी हमने 2 टेबलस्पून लिया है असली घी, तो वो घी भी हम बेकिंग ट्रे को लगाने के लिए रखेंगे इसमें से थोड़ा, और बाकी का हम ये सेवियों में मिला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले हम ये इसी कप से 2 कप पानी डालेंगे। ये 2 कप हमने पानी लिया है, इस तरह से इसे हम औटा के 1.5 कप उतना होने तक औटाएंगे। इसे हम 20 से 25 मिनट तक बॉईल होने देंगे। और जो ये हमने शक्कर रखी थी ये भी इसमें हम डाल देंगे। और ये जो नींबू रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। जैसे हम 20-30 से 25 मिनट तक बॉईल होने देंगे, चाशनी बने तक इसे बॉईल होने देंगे। चलिए अब हम इसका क्रीम बनाएंगे, इसमें डालने के लिए कनाफे के लिए क्रीम बनाएंगे। तो ये जो हमने दूध रखा था वो सबसे पहले डाल देंगे।
ये एक पैन में हमने रबड़ी के लिए दूध रखा है, तो क्रीम के लिए जो हम सबसे पहले हम ये मिल्क पाउडर डालेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल के इससे मिक्स किया है, सबसे पहले ये डालेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर जो ये शक्कर रखी थी हमने ये भी डाल देंगे इसमें, फिर ये जो खोवा रखा था वो भी डाल देंगे, फिर अच्छे से मिलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये हमारी रबड़ी, ये हमारा जो क्रीम के लिए जो हमने ये दूध लिया था इसमें हमने खोवा और मिल्क पाउडर और शक्कर डाल दिया है। अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जो अभी हमने 2 टेबलस्पून लिया है, अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे। इसे हम जल्दी जल्दी चमचा चलाएंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को हम थोड़ी स्लो कर देंगे, फिर बाद में हम ये जो हमने चीज क्यूब्स रखा था ये खोल खोल के इसमें डाल देंगे। बाद में हम इसे मिक्सर के जार में डाल के थोड़ा एक बार से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्रीम चीज़ डाल के मिक्सर के जार में अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके ये दोनों क्यूब्स में डाल लेंगे। याद रखें, आप जब भी कुनाफे के क्रीम बना रहे हो तो उसे नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं, वरना ये सादे बर्तन में, स्टील में या जर्मन में बनाएंगे आप तो ये चिपक जाएगा। तो ये अच्छे से हो गया, बाकी के हम इसे मिक्सर में पीस के, तो टोटल हमने इसमें क्रीम डाल दिया है, चीज डाल दिया है इसमें, अभी हम क्रीम चीज डालना है अभी हमें, जो हम मिक्सर के जार में पिसते वक्त डाल देंगे। ये एक और के क्यूब्स रहेगा था हमारा, टोटल हमने 3 चीज क्यूब्स डाले हैं इसमें। ये भी लेंगे, हमें 2 टेबलस्पून ही काफ़ी लग रहा है कॉर्नफ्लावर, तो बस हम 2 टेबलस्पून ही रहने देंगे और नहीं डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। तो चलिए बहनों, ये हमारा क्रीम तैयार हो गया है, इसे अब थोड़ा ठंडा होने बाद हम क्रीम चीज़ डाल के मिक्सर के जार में पीस लेंगे। तो चलिए अब हम एक बेकिंग ट्रे में कुनाफे के सेवियों को सेट करेंगे। हम एक टेबल स्पून क्रीम चीज़ डाल रहे हैं इसमें, फिर उसके बाद हम ये जो हमने क्रीम बना के रखा है कॉर्नफ्लावर और चीज वाला, ये भी इसमें जार में डाल देंगे। इस तरह से पूरा डाल देंगे इसमें हम,
उसके बाद हम ये जायफल, बिल्कुल पाव टी स्पून जायफल डाल रहे हैं इसमें, टेस्ट के लिए डाल रहे हैं हम, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। अब इसे हम मिक्सर में चला लेंगे और थोड़ा सा हम चुटकी भर ये नमक डाल रहे हैं इसमें। तो चलिए इसे अब हम पीस लेंगे। सब चलिए सबसे पहले हम ये सेवियों में जो हमने ये असली घी रखा था, आप चाहे तो इसमें बटर भी मिला सकते हैं, तो ये हम इसमें मिला लेंगे। हमें लगेगा कि और चाहिए तो हम इसमें और डालेंगे, अभी हमने इसमें एक टेबल स्पून ही डाला है। इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम ये बेकिंग ट्रे लिए हमने, इस तरह की लिया है हमने, आपके पास जो भी है नॉन स्टिक की भी रही तो चलेगा, तो हमने ये कांच की गोल वाली ली है। इसको सबसे पहले हम इसको बहनों बटर लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले से हम जो हमने घी रखा था ये लगा देंगे, फिर चारों तरफ से अच्छे से लगा देंगे। ताकि हमारे ये जो सेवियां हैं वो चिपके नहीं। हमने ओवन को 200 डिग्री पे उसे गरम करके रखा है। उसमें हम ये कभी भी याद रखें, आप कोई भी चीज़ बेक कर रहे हो तो ओवन को पहले गर्म कर लें 200 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, 10 मिनट प्री हीट गर्म करके रखें। चलिए अब इसमें हम ये सेवियाँ इस तरह से इसे एक कप की मदद से थोड़ा से दबा देंगे। हमें लग रहा है थोड़ा सा और घी डालना, थोड़ा सा इसे अच्छे से और डाल देंगे। एक कप की मदद से इसे हम अच्छे से दबाएंगे। हम ये एक कप की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। सब तरफ से बराबर प्रेस करेंगे हम, चारों तरफ से अच्छे से। इसके बाद हमने इस तरह से क्रीम चीज़ और क्रीम ये जो हमने बनाए थे ये सब इस तरह से जार में पीस लिया हमने, तो ये इस तरह से इसे डाल देंगे। अच्छे से डाल लेंगे।
आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ी सी फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं इसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। अब इस पे हम एक और लेयर सेवियों की डालेंगे। अब इस पे हम ये जो सेवियाँ रखे थे वो डाल देंगे। थोड़े से हमें लग रहा है थोड़े से हम और सेवियाँ डाल देंगे इसमें। हमने थोड़े से और 10 ग्राम लिया है, टोटल हमें 160 ग्राम सेवी ली थी हमने। ये इसे फिरनी भी कहते हैं, मार्केट में अगर आप लेने जा रहे हैं तो इसे फिरनी कह के भी ले सकते हैं, बारीक सेवी या फिरनी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये टोटल हमने 160 ग्राम लिया था सेवी। पहले 150 लिया था, फिर बाद में हमने थोड़ा से और 10 ग्राम उतने लिया, तो टोटल हमारे 160 ग्राम हो गए। तो चलिए अब इसे अच्छे से कट कर लिया है हमने। इसमें हम थोड़ा सा और ये जो घी रखा था वो डाल देंगे। इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। ये ऊपर की सेवी हमने जो बाद में डाले हैं उसमें हम घी मिला रहे हैं। बस ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम माइक्रो ओवन में रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे ओवन में रख देंगे। सॉरी, हम इसमें इसे ओवन में रख रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम ओवन में रखेंगे। हमने ओवन को पहले से गर्म करके रखा था, तो इसे हम 30 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। अभी हमने दोनों कॉइल इसके चालू रख के इसे फिर ट्रे नीचे रख के इसे रखा है। तो चलिए इसे हम 30 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे। अगर हमें लगेगा जल्दी हो गया तो हम फिर इसे कम कर देंगे। तो चलिए अभी इसे हम बेक होने देते हैं 30 से 25 मिनट तक दोनों कॉइल चालू रख के। इसे हमने 25 मिनट बेक किया है और इसे हमने पलटा दिया है। इसे ठंडा होने के बाद इसे हमने एक ट्रे की मदद से इसे पलटा दिया है। अब इसको हम और 5 मिनट सिर्फ ऊपर से होने देंगे, फिर इसके बाद इस पर शक्कर की चाशनी डालेंगे, फिर पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। ये हमने इसे 3-4 मिनट ही ऊपर से बेक होने दिया था। अब हमने ये जो चाशनी रखी थी इसमें से हमने इतनी पाउंड कप लिए, थोड़ी सी बचा दी हमने चाशनी। हमें जितनी लगेंगे उतनी ही डालेंगे। और ये रोज़ वाटर हम इसमें 1 से 2-3 ड्रॉप डालेंगे। जैसे हमने गरम कर दिया था चाशनी को, इस पर गरम गरम चाशनी डालेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से इसे डाल देंगे। फिर इसके हम ये पिस्ते हमने
दो 3 टेबलस्पून पिस्ते लेकर इसे पीस दिया था, और 1 टेबलस्पून हमने पिस्ते बारीक इस तरह से चॉप कर दिया है। तो हम सबसे पहले इस तरह से अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। हमने इस पे अच्छे से पिस्ते से गार्निशिंग कर ली है, और बीच में इस तरह से हम पिस्ते डाल लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा कुनाफा तैयार है। इसे अब हम काटेंगे एक छुरी की मदद से, फिर इस तरह से तो लीजिए, ये हमारा कुनाफा तैयार है, जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। इसे अब हम निकाल के एक प्लेट में खाएंगे इस तरह से। ये लीजिए, हमारा कुनाफा तैयार है। ये इस तरह से हमने इसे एक पीस में काट लिया है। ये हमारा कुनाफा तैयार है।